रहीम। मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गो अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले तो मैं आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने एक शॉर्ट से नोटिस पे इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आकर हमें इज्जत बख्शी है और ये साबित कर दिया है कि इंशाल्लाह पीटीआई इस हलके में इंशाल्लाह हर मुकाबले के लिए तैयार है, इंशाल्लाह हर बार जीतेगी। आज की ये मीटिंग, इसमें बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त जो नहीं आ सके उनसे मैं माजरा चाहता हूँ। हमने कुछ दोस्तों की ड्यूटी लगाई थी कि जो सोशल मीडिया के हमारे दोस्त एक्टिव हैं, जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उनको बुलाया जाए यहाँ पर। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं है, लेकिन जो हमारी हमारे बाजू भी हैं और जिनकी वजह से जिनकी बुनियाद पर हम इलेक्शन लड़ते हैं वो आज यहाँ पर नहीं है। लेकिन इस मीटिंग का मकसद और है। इस मीटिंग का मकसद आज ये है कि ये सोशल मीडिया आपके हाथ में एक हथियार है और ये एक ऐसा हथियार है जिसकी बुनियाद पीटीआई जो आप जमात जिसमें है उसकी बुनियाद सोशल मीडिया है। आपको याद होगा आज से 15 साल पहले इमरान खान टीवी पर बैठता था, वो अकेला था, अकेला बैठकर वो बात करता था और वो हक सच और इंसाफ की बात करता था क्योंकि उसकी बात सच्ची थी। तो जब ये सोशल मीडिया आया तो पीटीआई को बहुत फायदा हुआ और पीटीआई जिस तरह कहते हैं कि एक्सप्लोड कर गई कि वो जहां पर जमीन पर थी उसको आसमान पर ले जाने वाली जो हथियार था वो सोशल मीडिया का हथियार था, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए आवाज बात हर घर में हर करियर में हर कोने में पहुंच गई और जो सच्ची बात थी वो लोगों के दिल को जाकर लगी और इसीलिए इसी की बुनियाद से पीटीआई बात वजूद में आई। लेकिन ये जब ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ है इसमें हमने ये भी देखा कि सोशल मीडिया एक तलवार तो है लेकिन ये एक दोहरी तलवार है, इससे फायदा भी होता है इससे नुकसान भी होता है। तो हमने इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि हम अपनी टीम जो सोशल मीडिया की एनए बाट के अंदर जो इंशाल्लाह चलती है जो बनती है उसको मुनज्जम तरीके से बनाएं और फिर उसको मुनज्जम और अच्छे तरीके से चलाएं, क्योंकि हमने हमेशा सच्चाई की और शराफत की और वो सियासत की है जिसका प्रचार इमरान खान करता है वो हमने धक्के में करके दिखाई है। और ये सियासत आज की सियासत नहीं है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का बड़ा करम है कि ये चार पुश्तों से सियासत चल रही है और आज भी अगर आप पूरे पाकिस्तान के किसी कोने में जाकर पूछें कि शरीफ और सच्चे लोग सियासत में कौन है तो हमें फख्र है कि उसमें हमारे खानदान का नाम जरूर आएगा। इंशाल्लाह यही हमारी सियासत की ताकत है और इसी सियासत की ताकत के साथ इंशाल्लाह हमने आगे भी चलना है। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर भी हमारी यही ताकत होनी चाहिए। गाल गलोच झूठ फ्रेब और झूठी बात चलाना ये सोशल मीडिया पे बड़ी आसान होती है। जब आप कुछ झूठ चलाते हैं फेसबुक पे तो वो दो तीन दिन बड़े आराम से चलता है, कोई झूठ आप मार दें बड़ा झूठ मारेंगे वो ज्यादा चलेगा, लेकिन आखिर सच की पता होती है और आप सब लोगों को ये बताना है कि आप सच के साथ खड़े हैं, आप सच के साथ खड़े हो, आप हक के साथ खड़े हो और इंशाल्लाह फतह आपकी होगी अल्लाह की मदद से। इंशाल्लाह ये आज आपको बुलाने का मकसद ये है कि एक तो इसको मुनज्जम किया जाए, आप सब लोग अपना कॉन्टेक्ट यहाँ पर दे के जाए और दूसरा ये कि आपको खराज तहसीन पेश किया जाए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि यहाँ पर हमारे छच में अटक में और अब अस्पताल में भी हमारी ताकत आपकी वजह से है। जब सोशल मीडिया के ऊपर कोई बहस चलती है किसी भी मामले के ऊपर तो लोग अपनी अपनी राय देते हैं उसके अंदर, आप लोग सब उसमें मैंने देखा बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और खसूस हमारे बैरूने मुल्क वाले हमसे ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि वो वहां बैठे हुए उनके दिल यहाँ पे धड़क रहे होते हैं। हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनके मैंने नाम सब के नहीं ले सकता, अंजुम अली जही साहब हैं, अब्दुल वहीद साहब हैं, फराज खान साहब हैं, इस तरह और बहुत सारे एक्टिव मेंबर हैं जो कोई भी पोस्ट हो वो मेरे हाल इंतजार है उन्होंने जो पोस्ट पहनी है तो फौरन आ गए उससे, तो वो हमारा सरमाया है और इंशाल्लाह उनको हमने यहाँ पर हमने सर्टिफिकेट भी बनाया ताकि आपको पीटीआई की तरफ से एक खराज तहसीन पेश किया जाए और आपको एक्नॉलेज किया जाए कि जो आप जंग लड़ रहे हैं
इंशाल्लाह वो बड़ी अहम जंग है अगले आने वाले इलेक्शन की सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन ये भी जरूरत है, जिस तरह हमारे भाई इमरान खान ने कहा कि खाली सोशल मीडिया का काम नहीं चलेगा, ग्राउंड के ऊपर जाकर उसके लिए हम अलग टीमें बना रहे हैं, ग्राउंड पे जाकर ये इलेक्शन का प्रोसेस आखिरकार डब्बे के अंदर पर्ची डालने से मुकम्मल होता है, और वो पर्ची डलवाने का एक पूरा प्रोसेस है, उसके लिए भी हम टीमें तश्कील दे रहे हैं और इंशाल्लाह आपको भी उसमें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि खाली फेसबुक और ये ट्विटर के ऊपर ना बैठा जाए बल्कि ग्राउंड पे भी आया जाए। अभी मैं आपको बता दूं, मैं पीछे एक दुआ करने के लिए गया, हमारे भाई थे, उन्होंने बड़ा जोरदार मुझे कहा जी पहुंचो जी, दुआ है बड़ी जरूरी, पहुंच गए जी। उसे पहुंचे, बंदा ग्रां था सी, फेसबुक पे मैं पढ़ा सी था कि जिसे आओ जी दुआ से चले गए। उससे गए थे, मैं कहा यार चल बैठ चलिए दुआ करिए, और दुआ से गए तो उसे अपने ग्रां की गलियां नहीं पता यार। मैं यार तू फेसबुक से बैठ रहे ग्रह की गलियां है, इंशाल्लाह ये आप लोग इसके लिए जैसे मैंने कहा कि ये हथियार है आपके हाथ में, इसको मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करना है, और इसमें आपको जो सच्ची बातें हैं जो हकायक पे मबनी है, झूठ नहीं, जो परफॉर्मेंस हमने की है अपने लिए की है, पार्टी के लिए की है, इस पाकिस्तान के लिए की है, वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह, आपको फील करेंगे वो परफॉर्मेंस। उसके अलावा मैं पहले भी यहाँ का नुमाइंदा रह चुका हूँ, पहले भी अल्लाह ताला ने इज्जत दी थी, वजारत दी थी, तो जो इस हल्के के लिए जो काम किया था, हर यूनियन काउंसिल भाई हमारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं नौशिरवान साहब, उन्होंने इस पे काम किया हुआ है, और आपको बताएंगे कि एक एक हल्के एक एक गांव में क्या काम किया था, लोग भूल चुके हैं, कुछ हमारे बच्चे उस वक्त उनकी उम्र इतनी नहीं जिनको याद हो गए, क्योंकि 10 साल गुजर चुके हैं उस बात को। लेकिन हम बताएंगे आपको कि हमने क्या कहां पे क्या काम किया था, किस जगह पे, किस गली में, किस गांव के अंदर। अल्लाह के फजल से जब हल्के की नुमाइंदगी मिली थी तो अल्लाह ताला ने हिम्मत दी थी कि इस हल्के में इंशाल्लाह वो काम हुए थे कि आज हर गली में आपको वो निशानी नजर आती है कि यहाँ पर काम हुआ था। इंशाल्लाह हमने आने वाले दौर के अंदर इस पाकिस्तान को मजबूत बनाना है, हमने अपने नौजवानों को नौकरियां देनी है, और अल्लाह के फजल से हम वो जगह पे बैठे हुए हैं पाकिस्तान के खुसूसन ये हल्का उस जगह पे है जहाँ पर सारी दुनिया ने इंशाल्लाह आना है, ये सीपैक यहाँ से गुजर के जा रहा है, चाइना ने यहाँ पे आना है, हमने ऐसे नुमाइंदे भेजने जो जाकर वहां बात कर सके, और अपने हल्के के लिए कुछ अपने लिए नहीं, यहाँ पे ऐसे बहुत नुमाइंदे मौजूद हैं जो सड़कें बनाते हैं कमीशन खाते हैं, फूल गैस का कनेक्शन देते हैं कमीशन खाते हैं, जो कोई पैसा लेकर आते हैं उसके अंदर कमीशन खाते हैं, वो अपने लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमने इंशाल्लाह आपके लिए काम करना है, और इंशाल्लाह इस हल्के में ऐसे काम करवाने हैं जिससे हमारे नौजवान जो कि बेरोजगार बैठे हुए हैं उनको नौकरियां मिले, और वो फेसबुक पर भी बैठे लेकिन कुछ काम भी करें, और जो अपने घर में रोजगार भी लेकर आए, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। इंशाल्लाह इमरान खान अल्लाह के फजल से इस वक्त सारे आप उसके सामने क्लीन बोर्ड हो चुके हैं, हर कोई अपने मसले में पड़ा हुआ है, नून की हालत देखकर रोना आता है कि ये नून की हालत क्या बनी हुई है इस वक्त। वो इंशाल्लाह जब इलेक्शन को आप सिर्फ अनाउंस होने दें, अभी जो लोग उनके साथ है वो इसलिए है कि यार ये काम करा लीजिए, वो थोड़ी सी पाइपा रह गई है, पाइपा पा लीजिए, आप इलेक्शन को अनाउंस होने दें, फिर देखिए आप कैसा सलाब होगा, इंशाल्लाह उस सलाब को आपने संभालना है, आपने आगे लेके जाना है, और उस सलाब से इंशाल्लाह एक नया पाकिस्तान बनाना है। आप सब लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करूंगा, और ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अटक भी इंशाल्लाह हमारा हल्का है, छछ भी हमारा हल्का है, और अब हसनअफदाल भी हमारा हल्का है, इसलिए किसी को यह तकलीफ ना हो कि हसनअफदाल में मलिक अमीन क्यों जा रहा है, हसनअफदाल में हम जाएंगे वो हमारा हल्का इंशाल्लाह हल्का होगा, टिकट उसको मिलेगा जिसको इमरान खान देगा, इंशाल्लाह हम उसके साथ। हसनअफदाल तो वो जगह है जिसको मुझे दिल से प्यार है, ये वो जगह है, हमारे कुछ भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ ने वहां पर फंक्शन हमारे कल परसों किए हैं, वो ये वो जगह जहाँ से हमारे दिल के ताने बाने मिलते हैं हसनअफदाल से, उन लोगों से हमें प्यार है, उन लोगों को हमसे प्यार है, इस वजह से मेरे वालिद साहब मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, मलिक असलम साहब का वहां मोहब्बत और प्यार का रिश्ता था, कोई सियासी रिश्ता नहीं था, कोई वोटों का लेन देन नहीं था, कोई कारोबार का लेन देन नहीं था, दिलों का रिश्ता था, और वो रिश्ता आज भी कायम है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हसनअफदाल को हम वेलकम करेंगे इंशाल्लाह अगर अगले वार्ड में हसनअफदाल शामिल होगा।
मैं आखिर में अपनी आईके टीम के भाइयों का और आपका मैंने इंटरव्यू भी देना है कि आपके साथ बैठ के इंटरव्यू करते हैं, और जो साफी भाई यहाँ पर आए हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये प्रिंट और सोशल मीडिया ये भी दोनों, ये जो इनका आपस में आप ताल्लुक है, क्योंकि जो चीज सोशल मीडिया पे चलती है प्रिंट मीडिया उस चीज को उठाता है, ये भी एक बड़ा अहम ताल्लुक है। तो इंशाल्लाह आप सब लोग यहाँ पर अपने नाम अपने टेलीफोन नंबर देकर जाएंगे और आपको इंशाल्लाह ये आप सर्टिफिकेट भी देंगे आपकी आपकी रिकग्निशन करने के लिए, ताकि जो आप जंग लड़े हैं उसका हम आपको अपनी तरफ से शुक्रिया भी अदा कर सकें। और इंशाल्लाह गुजारिश आपसे यही है कि इस जंग को पॉजिटिवली लड़ें, इस जंग को हकायक के साथ लड़ें, इस जंग को सच्चाई के साथ लड़ें, और इंशाल्लाह जीत आपकी होगी और जीत अल्लाह का बहुत शुक्रिया।